जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 और 12 मई 2024 के धनु राशि फल के बारे में धनु राशि के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे होंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे क्या योग बनेगा और ग्रह आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेंगे जानेंगे आपके व्यापार व्यवसाय नौकरी शिक्षा स्वास्थ्य पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन सभी के बारे में दोस्तों आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले 11 मई 2024 के बारे में तो बैसाख माह का शुक्ल पक्ष का शनिवार का दिन होगा चतुर्थी तिथि सुबह दो बजकर चार मिनट तक रहेगी इसके पश्चात पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी मृगशीर्ष नक्षत्र सुबह दस बजकर पंद्रह मिनट तक रहेगा इसके बाद आद्रा नक्षत्र शुरू हो जाएगा सुकर्मा योग सुबह दस बजकर दो मिनट तक होगा फिर धरती योग शुरू हो जाएगा सूर्य देव मेष राशि में विराजमान होंगे यानी आपके पंचम भाव में सक्रिय होंगे और पंचम भाव से लाभ भाव यानी एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे चंद्रदेव मिथुन राशि में विराजमान होंगे यानी आपके सप्तम भाव में और सप्तम भाव से लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे राहु काल का समय सुबह नौ बजकर सात मिनट से सुबह दस बजकर पैंतालीस मिनट तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त सुबह ग्यारह बजकर सत्तावन मिनट से दोपहर बारह बजकर उनचास मिनट तक होगा दोस्तों ग्यारह मई का दिन आपके लिए बेहद शानदार होगा क्योंकि 11 मई को विनायक चतुर्थी पर शुभ संयोग बन रहे हैं ऐसे शुभ संयोगों में कई गुना बढ़कर पूजा के फल की प्राप्ति होती है यह दिन भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए ख़ास माना जाता है बैसाख माह की विनायक चतुर्थी बहुत ही खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन कुछ खास संयोगों का निर्माण हो रहा है इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है व्रत रखा जाता है और ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति विनायक चतुर्थी का श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ व्रत करता है उस पर गौरीपुत्र भगवान गणेश की कृपा हमेशा बरसती है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होते हैं सभी कष्ट परेशानियां दूर होती हैं तो ऐसे में शुभ संयोगों में बनने वाले शुभ योगों में भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति को पूजा का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होगा मिथुन राशि में चंद्रमा की स्थिति है तो ऐसे में आप तनावमुक्त होंगे मन शांत होगा और विशेष रूप से घरेलू मामलों पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे आपसी विश्वास बनाने के लिए खुले और ईमानदार संचार का प्रयोग करें अच्छे से बोलचाल रखें दोपहर तीन बजे से चार बजे के बीच का समय आपके लिए आवश्यक कार्यों को करने के लिए काफ़ी शानदार साबित होगा आज के लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक चार होगा इस दौरान आपकी जो बोलने की कला है आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व वे, आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपनी कुशलता दिखाने में मदद करेगा हालांकि आपको अपनी बात मनवाने वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी परेशानी में आसानी से काम पर काम कर पाने की आपकी क्षमता सभी को प्रभावित करेगी लेकिन यहाँ आपके द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे कठिन परिश्रम किया जाएगा उसका फल आपको अवश्य मिलेगा अच्छा धन लाभ भी होगा जिससे आप काफ़ी प्रसन्न नजर आएंगे आज आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप आर्थिक अवसरों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी व्यवसायिक ताकत लगा देंगे गतिविधियों के क्षेत्र में आज आपको असीमित लाभ होने की संभावना रहेगी आज आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी सारी कुशलता एक अच्छा स्थान ग्रहण करने के लिए लगा दें अगर आप अपने कार्य में सजग हैं तो अवश्य ही आपको समय के साथ आर्थिक रूप से फ़ायदा हो सकता है यह फ़ायदा पदोन्नति के रूप में मिल सकता है या किसी प्रोत्साहन राशि के रूप में भी आपको मिल सकता है ग्यारह मई 2024 को सूर्य को सूर्यदेव कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और यह एक ज्योतिषीय घटना मानी जाती है जो कि महत्वपूर्ण होती है कृतिका नक्षत्र अग्नि तत्व का नक्षत्र है इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं बृहस्पति ग्रह को ज्ञान शिक्षा धर्म समृद्धि का कारक माना जाता है देव के कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करने से आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ सकती है सूर्य ग्रह आत्मविश्वास और सम्मान का कारक है इसलिए इस नक्षत्र में सूर्य की उपस्थिति से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी सूर्यग्रह प्रसिद्धि और लोकप्रियता का कारक है तो ऐसे में सूर्य की उपस्थिति के कारण आपकी समाज में अच्छी पहुंच बनेगी समाज में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी सूर्य ग्रह करियर और व्यवसाय का कारक है इसलिए इस नक्षत्र में सूर्य की उपस्थिति से आपके करियर में आपको प्रगति मिलेगी स्वास्थ्य में सुधार होगा यानी ये जो सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन है आपके लिए काफ़ी शानदार साबित होगा सूर्य देव की कृपा से आपको जल्द ही कोई खुशखबरी भी मिलेगी ससुराल पक्ष से भी तोहफा मिल सकता है करियर और कारोबार में डबल लाभ की प्राप्ति होगी और देव का आशीर्वाद आप पर बना होगा आर्थिक तंगी की स्थिति भी दूर होगी बात करें 12 मई 2024 की तो बैसाख माह का शुक्ल पक्ष का रविवार का दिन होगा पंचमी तिथि सुबह दो बजकर चार मिनट तक रहेगी इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी आद्रा नक्षत्र होगा धृति योग बनेगा और यहाँ चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान होगा यानी चंद्रमा आपके अष्टम भाव में सक्रिय होगा अष्टम भाव से द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेगा राहु काल का समय शाम पाँच बजकर सत्रह मिनट से शाम छः बजकर पचपन मिनट तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त सुबह ग्यारह बजकर सत्तावन मिनट से दोपहर बारह बजकर उनचास मिनट तक रहेगा तो ऐसे में परिवार में खुशियों भरा माहौल होगा बहन के विवाह में आ रही अड़चने काफ़ी पूजा पाठ के बाद समाप्त हो जाएंगी यानी घर में किसी भाई बहन का शादी का प्रस्ताव आएगा तो उस पर शादी की मोहर लगने की पूरी संभावना होगी छात्र अपना मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे इस दौरान आपको कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा परिवार का सहयोग मिलेगा वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जिसे आप समय पर पूरा करेंगे इस दौरान किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपकी आय में बढ़ोतरी कराने में सहायता करेंगे आज जॉब में भी सुख समाचार की प्राप्ति होगी व्यवसाय में धन आगमन के संकेत मिल रहे हैं मन में जो नकारात्मकता है वो दूर होगी कार्य क्षेत्र में समस्याएं खत्म होंगी सीनियर्स का सहयोग मिलेगा इस दौरान आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा प्रेम संबंध से जुड़े व्यक्तियों के लिए समय काफ़ी शानदार होगा आपसे रिश्ते मजबूत होंगे धन संपत्ति में अच्छी बढ़ोतरी होगी परिवार में एकजुटता होगी परिवार में खुशहाली बनी होगी और दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी तो दोस्तों ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जय माता दी दोस्तों